हेलो कैसे हो सब। अच्छा मैंने सोचा था कि मैं अपना इंट्रो करने वाला हूँ दुबई जाके, बट भाई कल यहाँ पर इतनी भसड़ हुई। ताज सेंटा क्रूज मुंबई में मैं हूँ यहाँ पर। जब मैं यहाँ आया था तो इन्होंने मेरे को 3 घंटे वेट कराया था चेक इन देने से पहले, क्योंकि इनका जो होटल था वो पूरा बुक था। तब मैंने इनके साथ बिल्कुल कोऑपरेट करा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं आप टाइम लो पर जल्दी जल्दी मेरे को रूम दो। कल रात को क्या हुआ, मेरे दो दोस्तों को मेरे को ड्रॉप करने आना था, क्योंकि एक को मैंने कैश देना था क्योंकि मैं रात को 1 बजे शॉपिंग करी थी। उसका स्टूडियो है तो वो कहता है एक रील बना दो क्योंकि आपके नंबर ज्यादा है तो उसको भी फॉलोअर्स मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैं यहाँ आया एंट्री पे इन्होंने एंट्री नहीं दी तो मैनेजर ने मना कर दिया, बिल्कुल कोऑपरेट करने से मना कर दिया। बहुत गेस्ट आ रहे थे बट इन्होंने हमको नहीं जाने दिया। तो मैंने रिकॉर्ड करना चालू कर दिया कि मैं यहाँ पर हूँ, मैंने इनके साथ इतना कोऑपरेट करा और इन्होंने मेरे साथ 0% कोऑपरेशन करी। तो उसका मैनेजर आ गया और कहता मैं पुलिस बुला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, केस कर दूंगा, फलाना ढिमकाना, चिल्लाने लग गया। मैंने कहा भाई अब मैं क्या बोलूँ, मैंने रिकॉर्डिंग डिलीट करी लिटरली। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं भाई ऊपर जाओ। एक बार मैंने सोचा कि मैं अपने फॉलोअर्स को जरूर बताऊंगा जो यहाँ पर मुंबई में है एंड ऑल, कि भाई ऐसा स्टाफ चेंज होना चाहिए, लाइक लिटरली जो 1% कोऑपरेट करके राजी नहीं हो और इतनी बदतमीजी से बात करें यहाँ का मैनेजर। भाई साहब ने हमें पहचान लिया है और मेरे को नहीं पूरे परिवार को पहचान लिया है। क्या बोल रहे थे अभी? मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, सबको पहचान। अरे भाई तू ज्यादा 45 55 ले तू। ओके तो अभी हम दुबई आए थे एंड अभी हमारा चेकआउट होना था, मैं वेट कर रहा था बाकी लोगों का। एंड लुक वी हैव आवर सब्सक्राइबर, क्या नाम है? आर्यन। दुबई घूमने आया है? दुबई रहता है? नहीं दुबई घूमने आया। ओके ये भी दुबई घूमने आया है, शाबाश। कितने दिन के लिए? मैं फ्राइडे को जाने वाला हूँ। ओह नाइस, मिल गया, अच्छा लगा। थैंक्स। ये एकदम ना ऐसे दूर से मेरे को खड़े होकर कह रहा है मास्क नीचे करो। मेरे मास्क नीचे रहता था। हाँ भाई कसम से अभी मैं मनी कन्वर्जन करवा रहा था एंड मैंने एक 50,000 की गड्डी निकलवाई, उसके बाद उसने मेरे को 5 नोट दिए। दिल में धक धक हो गया भाई, 2,000 रुपये मिला मेरे को। कार्ड जिंदाबाद, पापा ने कार्ड दे के भेजा था। जय पापा। धीरज भाई तुम्हारे साथ आए हैं भाई, कोई मर्सिडीज वो फरारी वो होटल जाके अभी एक्चुअली क्या बस है यहाँ पे अपनी? नहीं नहीं ऐसे मत करो मेरे साथ यार, कंपनी वालों का एक वो है रूल। मेरे को ऐसा लग रहा है धीरज भाई तुम्हारी पिचिंग अच्छी नहीं चल रही। मेरी पिचिंग नहीं है भाई, कोई मर्सिडीज की बस लाओ यार। जब से मैं दुबई में आया हूँ मैं इतनी सुपर कार्स देख रहा हूँ। एक बार मेरे सामने देखो तुम, दिस मैक्लेरन, ये मैक्लेरन भाई, एक बार गाड़ी की लुक देखो तुम। उसके बाद ये यहाँ पर आ गई है, ये लैम्बोर्गिनी। तो तुम्हारे भाई ने डिसाइड करा भाई, जो एक्सपीरियंस मैं एक बार आया हूँ यार तो लेके जाऊंगा, और जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको मैं दिखाना चाहता हूँ एक्सपीरियंस। आज ऐसा करते हैं लैम्बोर्गिनी बुक करते हैं एंड हमने लैम्बोर्गिनी बुक करी है 2,000 दिरहम की, लाइक लिटरली आज के दिन के लिए 40,000 रुपये लगे हमारी ये लैम्बोर्गिनी बुक करने के लिए, एक दिन का भाड़ा है। डे 2 पे रचित भाई ने भी हमें ज्वाइन कर दिया, बट ये बिल्कुल तेरे नाम के सलमान खान है भाई। अपनी मां से बाल तो हटाओ तभी तो दिखोगे दुनिया को। माइकल जैक्सन बनने की कोशिश में तेरे नाम। अब इनकी आवाज भी बिल्कुल ऐसे फटा हुआ ढोल हो रखा है भाई, बहुत गंदी आवाज हो रखी है। इतनी क्यों पीते हो जब नहीं संभलती? देखो गाइस मैं ये चाय की बात कर रहा है, मैंने एक्चुअली ज्यादा चाय पी। मैं चाय की बात कर रहा था। हाँ मैं चाय की मैंने बोला मेरे को सर्दी है, मेरे को जिंजर टी चाहिए, ठीक है? तो बोला ओके सर अभी लाते। उसने गर्म पानी में अदरक को काट दिया एंड मेरे को दे दिया, बोला ये रही आपकी जिंजर टी। जिंजर टी यही तो है। मुझे जिंदगी में आज तक किसी से डर नहीं लगा सिवाय माफिया भाई के। अरे मेरे से डरना ही चाहिए भाई, माफिया भाई। एक तो इधर 6 फुट 5 इंच के उसके इन्होंने नाम रखा अपना माफिया। कल मैं पिज्जा खाने गया तो मुझे कहते हैं, मैंने कहा वेजिटेरियन पिज्जा कहते या वेजिटेरियन पिज्जा उसके ऑर्डर लिया, कहते बट ओनली द बेस इज ऑफ ऑमलेट। सुबह में ब्रेकफास्ट करने गया भाई, वहां पर कुछ था ही नहीं भाई, जो बेंच में था ना वो सिर्फ कटे हुए सेब थे, ठीक है ना? नहीं ऊपर खाना भी था भाई, तुम गलत सेक्शन पे गए। वो जो सामने वाला सेक्शन था वहाँ डोसा डोसा भी पड़ा था भाई, सच्ची में। और वहाँ पर इंडियन फूड भी था, उनके पास मंचूरियन और फ्राइड राइस था। इस व्लॉग का टाइटल ये है, मीटिंग माय फ्रेंड इन दुबई, ट्रैवलिंग ओनली फॉर हिम ब्रो। अभी जेबों में से ऐसे निकलते हैं इसके धन, गोल्ड माइनिंग का काम है तेरा। तो बेसिकली यहाँ पर पूरा एक्वेरियम बना रखा है इन्होंने मॉल के अंदर, ये इतना बड़ा मॉल है। ये हमने डिसाइड कर लिया कि एक दिन में तो हम कवर नहीं कर पाएंगे और यहाँ मास्क नहीं उतार सकते क्योंकि मास्क का 60,000 का चलान बता रहे हैं, तो भाई इतने की तो पूरी ट्रिप निकल जाएगी। यहाँ पर मैंने मोस्टली नोटिस करा सारी जो बिल्डिंग है ना वो MR ने बनाई है, MR इज लाइक रूलिंग दुबई राइट नाउ। भाई राजीव चौक आ गए राइट। ओके तो सामने हमारे पास ये खड़ी थी गाड़ी जिस जो बेंटली है, माय गॉड। बट उसका बेंटली से ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है उसका नंबर प्लेट। आप ये देखो एक बार, सिर्फ 500
और कम से कम भी 1.5 मिलियन से भी प्लस 1.5 मिलियन दिराम से भी प्लस की सिर्फ और सिर्फ नंबर प्लेट है, मतलब गाड़ी से महंगी नंबर प्लेट है। कोई इंडियन बिजनेसमैन है जिसकी नंबर प्लेट 9 मिलियन दिराम की है? आप 9 लाख इंटू 40 कितने कितने करोड़ हो गए भाई? ओए मैंने जान के गाड़ी अपनी यहां खड़ी करवाई है क्योंकि मैं आपको दोनों लाइक लिटरली सच में मेरी ड्रीम कार है और किसी की भी ड्रीम कार होगी, दोनों लैम्बोर्गिनी प्लस फरारी एक साथ। डूड फरारी या लैम्बोर्गिनी, मतलब अगर आप लोगों को चॉइस मिली जाए कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, आप कौन सी गाड़ी लोगे, लैम्बोर्गिनी या फरारी? यार फरारी की भी अलग ही लुक है ब्रो, इसके अंदर का इंजन दिखता है, लैम्बो का इंजन नहीं दिखता। गाइस मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में ना वोट करो कि अगर आप होते आपको ऑप्शन मिलता है लैम्बोर्गिनी और फरारी लेने का, आप कौन सी लेते, लैम्बो या फरारी? जल्दी से कमेंट करो, मेरे को सबके मेरे को एक बार देखना है मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस किसकी तरफ जाती है, लैम्बोर्गिनी की तरफ जाती है या फिर फरारी की तरफ जाती है। लिटरल एक मिनट के अंदर अंदर इन्होंने मेरे को मेरा ऑर्डर दे दिया, 393 मेरा नंबर था भाई, मतलब सुपर फास्ट से भी ज़्यादा फास्ट स्पीड है भाई इनकी, पर दिस इज़ गुड। एक तो मतलब माहौल इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, उसके बाद ये गाड़ी जो है हमारी गाड़ी आज के लिए ये है आज का ना मतलब मेन, जिससे देख के मेरे को खुशी बहुत होती है। अब इसका ये देखो ये ऐसे जाता है, अब इसको प्रेस पता नहीं मेरे को खोलना नहीं आ रहा है। हाँ हो गया हो गया, नाइस। क्या खाओगे भैया? मेरे मैं कुछ नहीं, मैं खाना खा गया। मैं खिलाऊंगा भैया, 3 साल पहले यहाँ पर आए थे एंड भैया बहुत खुश है, बट भैया कहते हैं दुबई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आप कुछ कर लो, अगर आपने कोई भी अपने छोटा सा भी क्राइम करा आपको चलान देना ही पड़ेगा, सॉरी माफ़ी तलाफी कुछ काम नहीं आता यहाँ पर। Living like a millionaire for 24 hours in Dubai, guys. This is fun, like literally. अब मेरे को लगता है जाने का टाइम आ रहा है, बहुत ज़्यादा रश लग चुका है, बट सबको बोलना पड़ेगा guys, please leave. It's time to go. भैया जाए। I don't know मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, बट मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है। ये मिट्टी मैं क्या कर रहा हूँ, कसम से लैम्बो में बैठ बैठ के मैं थक गया था, लिटरली मैं परेशान हो गया था, मेरा सर दुखने लग गया था क्योंकि एक तो इतनी आवाज करती है बूम 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 और एकदम से वो झटके इतने लेते ना तो उसके से सर दर्द होने लग जाता है। तो मैं अभी आ गया था बीच पे एंड दिस बीच लुक्स वेरी अमेजिंग राइट नाउ, यहाँ से बुर्ज अल अरब का व्यू देखो एक बार। ओके तो आज हम करने वाले डेजर्ट सफारी एंड डेजर्ट सफारी में मैं हमेशा लेकर आई एम बिग फैन ऑफ डेजर्ट सफारी, मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है, एकदम वो हबीबी वाले कपड़े पहन के मेरे को करने गए, तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। ब्रो उल्टी तो नहीं करेगा? नहीं रे भाई, सबसे टफ पता है सबसे पीछे वालों के लिए होता है, सबसे पीछे ही आता है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट। केतन भाई क्या लगता है? वो कह रहा पक्का होगी भाई, तू थोड़ा बच के रह चुका है ना, पक्का होगा पीछे वाले की उल्टी आ जाए सेंटर में, तो फिर तो मैं तो सही बैठा हूं, मुझे इधर बैठ सेंटर में, मुझे बैठ गया। अबे सेंटर में मतलब वो फर्स्ट, ये सेकंड, ये सेंटर है। खिचड़ी खिचड़ी बनेगी खिचड़ी। अरे गाइस तुम एक नंबर जोकर होते। ओके सो फाइनली वी हैव रीच्ड द पॉइंट जहां पर डेजर्ट सफारी होने वाली है एंड यहां पर अभी हम रुके हैं, दो चार लोगों को फ्रेश होना था, बट इट लुक्स क्रेजी यार, मतलब यहां पर आप देखो एक बार, वाओ ये पूरा डेजर्ट। गए भाई गए 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 भाई गए आप गाड़ी ऐसे ही जैसे ठीक है, बेल दो भैया, शांति हो। माफी भाई आप तुम्हारी बारी नहीं जाने। माफिया सुन, एक बार लगा पैसे यहाँ पे केतन भाई के साथ चले देते हो, पैसे मिलते हैं, मैं फिर ऐसे नहीं जाऊंगा ना। अरे यार सोचना पड़ेगा कुछ। चलो एक आइडिया, 10,000 रुपए नाम मैं बैलेंस कर दिया बोलो माफी भाई। ऋतिक बैली डांस 10,000 रुपए नाम, शर्ट उतार के। और कौन से यूट्यूबर देखते हो आप? मैं सबके देखता हूँ। आप मेरे साथ एक बार शाहरुख खान वाले वो स्टेप करने वाले? यार वो मेरे को नहीं आता यार, आदर हूँ मैं इनकी, बिल्कुल पर्सनालिटी एकदम बिल्कुल गैंगस्टर टाइप है, गोली बोली सच में गोली का। आप इधर कुछ काम बता दो, मैं आपको सच में अपने ग्रुप में किसी को बताओ ये कैंप तक नहीं पहुंचेगा, ये मैं आपको गारंटी बोलता हूँ। रचित को उठाऊंगा
खाली उठाने हैं कि दबाने भी? उठाना और फेंकना है बस, ठीक है। हमने बस डन हो गया, एक घंटे के अंदर अंदर अच्छी दौड़। नहीं 10 मिनट में ये तो बहुत बड़ा वाला गैंगस्टर है, इससे इतना मैं नहीं कर पाऊंगा। जोगेंद्र को भी क्या किलो क्या, मैंने कहा इतना बड़ा पेंगे कि जोगेंद्र को भी बोल जाएंगे जो जो जोगेंद्र। मुझे कोई भी गाली नहीं आती थी, जब से उसकी वीडियो देखता हूँ ना माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे गालियाँ सीख लिया मैंने। क्रिएटर्स में पूरी भजड़ चढ़ रही है कि आगे कौन बैठेगा पीछे कौन बैठेगा, पीछे जाने को कोई रेडी नहीं है, एक गाड़ी में 6 बंदे लेके जाने का। मैं सबसे पीछे बैठना था ना, ये केतन भाई ने हमारे लिए कितना कुर्बान दिया है, कुर्बानी दिया है। एंड मैं हमेशा इतना आगे बैठ गया बिकॉज मेरी टांगे लंबी है, मैं पीछे बैठता तो कोई आ नहीं पाता। बारी बारी लेनी चाहिए व्लॉग करने के लिए। धीरज भाई कंट्रोल रखे, कंट्रोल कमर मटकाई ना, कमर मटकाना मस्त था भाई, एक बार ट्राई करें इसका कमर नहीं, इसका कमर है भाई। भाई मेरा भी कमरा यही सकता है, पर तो फिर ऐसा तेरा कमर है, तू ही लाके दिखा दे। चल मेरी कमर भी नहीं है। केतन भाई 3 2 1 गो कमर मत खाना, नेटवर्क कर दिया।